हेलो एवरीवन, आई एम गरिमा फ्रॉम फ्लेवर्ड रेसिपी। एक्चुअली ये वीडियो मैं अपनी लास्ट वीडियो के बहुत टाइम बाद डाल रही हूँ। आई थिंक लगभग 2 साल पहले मैंने कोई वीडियो डाला था। ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस मैंने वीडियोस में इतना लंबा गैप करा, बट नाउ आई विल ट्राई टू अपलोडिंग माई वीडियोज़ ऑन कंटिन्यूस बेसिस। प्लीज़ सपोर्ट मी बाई लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। भिंडी जलफ्रेज से बनाने के लिए हम यहाँ लेंगे 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून जीरा, 1/2 टेबल स्पून लेंगे मेथी के दाने, थोड़े से लेंगे अमचूर पाउडर, 6 से 7 लौंग के टुकड़े, 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 2 से 3 ग्रीन चिली, थोड़ा सा अदरक घिसा हुआ, 1 टेबल स्पून चीनी, थोड़े से रेड चिली पाउडर, 2 से 3 इलायची लेंगे और थोड़े से काली मिर्च लेंगे। उसके बाद हम यहाँ लेंगे 2 से 3 चम्मच नींबू का रस, 2-3 टेबल स्पून यहाँ हम फेंटी हुई दही लेंगे। उसके बाद हम यहाँ लेंगे 2 मीडियम साइज़ प्याज को इस तरह से स्लाइस में काट के ले लेंगे। उसके बाद भिंडी 250 ग्राम या उससे थोड़ा ज़्यादा ऐसे 2 इंच के टुकड़ों में कटे हुए ले लेंगे। उसके बाद थोड़े से 2 टेबल स्पून टोमेटो सॉस ले लेंगे और टोमेटो केचप। अब हम सबसे पहले जलफ्रेजी मसाला बनाएंगे। इसके लिए सारे मसालों को एक मिक्सर ग्राइंडर जार में डाल देंगे। इन मसालों में हम नींबू का रस भी डाल देंगे और इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। मसाला हमारा रेडी हो, यह हमारा जलफ्रेजी मसाला रेडी हो गया है। इसको हम और भी सब्जियों के लिए यूज़ कर सकते हैं जब हम जलफ्रेजी की दूसरी रेसिपी बनाएंगे। अब सबसे पहले हम कढ़ाई में तेल डालते हैं। ये तेल हमारा गर्म हो गया है। जब तेल गर्म हो जाएगा तब हम इसमें प्याज के टुकड़ों को डाल देते हैं। अब इनको मैं अच्छे से इसमें मिला दूंगी। उसके बाद इसको ढक के थोड़ी देर पकने देंगे। मीडियम फ्लेम पे प्याज को पकाने के बाद इसको हम थोड़ा खोल के देखते हैं। इसका कलर थोड़ा ब्राउन हो गया है। भिंडी को मिलाने के बाद अब हम इसमें नमक डाल देते हैं। नमक डालने के बाद हम इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे। हल्दी पाउडर मसाले में भी डले हुए हैं इसलिए इसमें थोड़ा सा डालेंगे और इसको अच्छे से मिलाकर ढककर एटलीस्ट 10 मिनट तक लो फ्लेम पर पकने देंगे। 10 मिनट बाद इसको खोल के थोड़ा सा देखते हैं। इसको एक बार ऐसे चलाएंगे। ये देखिए इसमें थोड़ा मॉइस्चर हो गया है, भिंडी भी हमारी नम हो गई है। इसको थोड़ी देर और ढक देते हैं। 5-7 मिनट बाद इसको फिर से खोल कर हम देखेंगे। इसको हमने मीडियम फ्लेम पर दोबारा से थोड़ा सा पकाया था। यहाँ पे भिंडी हमारी अच्छे से गल गई है, इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है। तो अब इसके बाद इसमें मसाले डालने का टाइम हो गया है। अब थोड़ा सा इसको चला के हम इसमें मसाले डालेंगे। अब हम इसमें जलफ्रेजी मसाला डालेंगे। इतनी भिंडी के लिए 2 टेबल स्पून मसाला काफ़ी है। 2 टेबल स्पून मसाला तो पिस नहीं पाता है इसलिए थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता है। इसको हम शीशे के जार में बंद कर कर रख भी सकते हैं आगे किसी रेसिपी में यूज़ करने के लिए। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। 1/2 कटोरी बस पानी डालेंगे और इसको ढककर मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट तक पकाएंगे। 5 मिनट बाद इसको हम थोड़ा सा खोल के देखते हैं। ये भिंडी और मसाले हमारे अच्छे से मिक्स हो गए एक दूसरे में। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा टोमेटो सॉस डालेंगे। जितना टोमेटो सॉस हमने लिया था वो पूरा इसमें डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें दही डालेंगे। दही डालने के लिए फ्लेम ऑफ करके हम दही डालेंगे क्योंकि गर्म में दही थोड़ी फटी फटी सी लगने लगती है। दही डालकर हमने फ्लेम ऑन कर दिया है। ऑन कर लो फ्लेम पर इसको थोड़ी देर ढककर पकने दिया है। 10 मिनट पकने के बाद हम खोल के देखेंगे। ये रेसिपी हमारी रेडी हो गई है। दही के संग हमने पानी का यूज़ नहीं किया था, लेकिन अगर आपको ज़्यादा सूखा सूखा लग रहा है तो आप दही के संग थोड़ा सा 1/2 कटोरी पानी डाल सकते हैं। लेकिन अब ये सब्ज़ी बनकर रेडी हो गई है। ये मेरी भिंडी जलफ्रेजी बनकर रेडी हो गई है। ये ड्राई सब्जी है और ये ड्राई ही बहुत अच्छी लगती है। इसको चावल, रोटी, पुलाव किसी के भी साथ सर्व किया जा सकता है। If you like the flavor of my recipes, please like, share and subscribe my channel.